Hey, what's up guys? Welcome back to my channel guys. So, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे उस आर्मरी क्रैक सॉफ्टवेयर की, क्यों ये सॉफ्टवेयर जरूरी है, क्यों कंपनी वाले से प्रिंट कॉल देते हैं अपने ऐसे स्टफ F15 के अंदर और जो भी लैपटॉप्स हैं टफ एंड ROG सीरीज के, क्या इसका यूसेज, इसको अपन आज पूरे तरीके से चेकआउट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और आपको मैं सारी चीजें सॉफ्टवेयर की बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस जैसे आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे यहाँ पर ASUS आर्मरी क्रैक, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होम पेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन ऊपर देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको CPU यूसेज देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, CPU के स्टैक्स देखने को मिल जाएंगे, मेमोरी स्टोरेज आपको, फैन स्पीड वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इसका इंटरफेस है यहाँ पर। और यहाँ पर आप मोड्स देख सकते हैं, विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो। अभी मेरा लैपटॉप का मोड परफॉर्मेंस के ऊपर है तो यहाँ से आप मोड्स भी चेंज कर सकते हैं गाइस। अब चलते हैं डिवाइस के अंदर। तो गाइस डिवाइस के अंदर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मेमोरी, GPU पावर सेविंग, लाइटिंग, रिसोर्स मॉनिटर। तो मेमोरी के अंदर आप जो चीज़ बैकग्राउंड में चल रही है उसको यहाँ से फ्री अप कर सकते हैं और GPU पावर सेविंग के अंदर आपको ये बता देगा बैकग्राउंड में जो आपकी पावर खींच रहा है GPU की, जैसे कि आप देख सकते हैं OPS अभी चल रहा है तो वो पावर नहीं खींच रहा है इतनी। लाइटिंग के अंदर आप चलते हैं तो लाइटिंग के अंदर जैसे कि अभी मेरा कलर साइकिल के ऊपर है तो आप यहाँ से स्कोपिंग, ब्रीदिंग, स्कैकिंग या कलर आपकी जो मर्जी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, और रिसोर्स मॉनिटर के अंदर आपको सारा ग्राफ देखने को मिल जाएगा आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस का। तो अब चलते हैं ओरा सिंक के अंदर। तो क्या ओरा सिंक भी लाइटिंग के लिए ही एक ऐप दी है उन्होंने, इफेक्ट वगैरह जो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटिंग का है, पर मेरे पास अभी कोई कंपेटेबल डिवाइस है कनेक्ट नहीं है तो ये चलेगा नहीं यहाँ पर। अब चलते हैं गेम विजुअल के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, ग्रेसिंग, सीनेरी, RTGS, RPG, FPS, सिनेमा, आई केयर, विवेक। तो आप देख सकते हो मैंने इसको RTS RPG के ऊपर सेलेक्ट कर रखा क्योंकि बिकॉज मैं अभी स्टोरी गेम ज़्यादा खेलता हूँ तो मुझे वो कलर और शार्पनेस और बहुत अच्छे निकाल के दिखाता है मेरे को, मतलब ग्राफिक भी बहुत सही दिखते हैं उसके। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है विवेक, तो आप इसको इनेबल जब करना, जब अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो कहीं पर भी Amazon, Netflix या YouTube के ऊपर, तो आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट ये निकाल के देगा। अब चलते हैं गेम लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन गेम मेरे अपने ऐड कर लिए इसने ऑटोमेटिक, मैंने यहाँ पर ऐड कुछ नहीं किया है, इसने ऑटोमेटिक ऐड कर लिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कॉन्कर स्काई, GTA 5 और FIFA 22 इसके अंदर ऐड है पहले से। तो आप यहाँ से शायद और भी ऐड कर सकते हो गेम, यस आप ऐड कर सकते हो, ऑटो स्कैन भी कर लेगा ये अपने आप और रिमूव भी कर सकते हो अगर रिमूव करना चाहो तो, इसको ग्रिड एंड लिस्ट व्यू में भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सिनेरियो प्रोफाइल के ऊपर। सिनेरियो प्रोफाइल के अंदर गाइस आप देख सकते हो प्रोफाइल यहाँ पे बना लो, आप अपने नाम यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आप नाम लिखना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से विंडोज की को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम का आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, टच पैड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, DC ऑपरेटिंग मोड, यहाँ पर आप साइलेंट, विंडोज जो भी आप चाहें उसके ऊपर कर सकते हैं। और ओरा सिंक ये भाई वही लाइटिंग से रिलेटेड है और होस्ट डिवाइस लाइटिंग ये भी आप देख सकते हैं, गेम विजुअल विविक, और यहाँ से आप क्लियर कैच भी कर सकते हैं गाइस। तो अब चलते हैं फीचर के अंदर। ओके, हमें कुछ चेंजेस नहीं करना, डिस्कार्ड कर देते हैं इसे। तो गाइस ये है फीचर, इसके अंदर आपको गेम रिलेटेड जो भी डील्स वगैरह चल रही है वो आपको बताएगा यहाँ पर हमारे किसी काम का है नहीं। और न्यूज़ भी है यहाँ पर ASUS की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ जो भी चल रहा है ASUS से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। और ये है यूज़र सेंटर, यूज़र सेंटर के अंदर हम आ गए, यहाँ से आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, पर ये भी हमारे किसी काम का है नहीं। तो अब आ गए हम सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर आपको जनरल, अपग्रेड एंड अबाउट देखने को मिल रहा है। तो जनरल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं होम पेज का आप लेआउट पूरा चेंज कर सकते हैं, और सिंक गेम विजुअल आप मतलब आपको होम पेज पर क्या चाहिए पहले तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप देख सकते हो कस्टमाइज थीम लिखा है, तो यहाँ पर आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल तीन थीम मिलती है जिसको मैंने अभी फिलहाल ROG थीम के ऊपर कर रखा है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, आप अपने मनपसंद की यहाँ पर लगा सकते हैं, दो और हैं यहाँ पर। और ये है अपग्रेड सेंटर, यहाँ पे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेड आते रहते हैं तो आपको यहाँ से रेगुलरली अपग्रेड आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहेगा तो आप चेकआउट कर लेना। ये है अबाउट सेक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप वर्जन आपको दिखाएगा, सिस्टम सर्विस वर्जन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है ऐप डायग्नोस्टिक, तो आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं, कुछ दिक्कत आ रही हो तो यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं, रिकॉर्ड लॉग वगैरह जो भी है कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है गाइस, तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।